हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपका एक नया फ्रेश पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीएमए फाइनल लॉ। तो सीएमए फाइनल लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपके कोर्स में क्या क्या वेटेज के सिस्टम से पेपर आता है और आपके कोर्स के अंदर क्या कहते हैं लॉ कैसे बनता है, कौन बनाता है, किस तरीके से बनाया जाता है और लॉ होता क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले तुम्हारे से आज हम बात करते हैं कि तुम्हारे कोर्स में किस किस टॉपिक की क्या क्या वेटेज है, फिर हम आगे बात करेंगे लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है वगैरह वगैरह। जैसा आप लोगों को पता है, जो बच्चे हमारे को पहली बार देख रहे हैं कि मैं सीएमए फाइनल सीएमए इंटर के बच्चों को लॉ एंड ऑडिट का पेपर पढ़ाता हूं, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल लॉ के अंदर, अगर मैं आपको बात करूं तो आपका पेपर नंबर ये 13 है न्यू सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस 2022 आ चुका आपको पता है, और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और इसके अंदर आपका ये पेपर जो है वो चार पार्ट में डिवाइड है, कंपनी लॉ जो कि 40 मार्क्स का है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो कि 10 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि 10 मार्क्स का है, और इकोनॉमिक लॉज जो कि 40 मार्क्स के हैं। तो अगर आप सारी चीजों को जोड़ दोगे तो 100 मार्क्स का पेपर बैठता है। देखो, इस कंपनी लॉ के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, तीन या चार चैप्टर जो आपने इंटर में भी पढ़े थे, जैसे एग्जांपल मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो आपने इंटर में पढ़े थे ना, वो सब बहुत लो लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। यहां का लेवल ही अलग है, मतलब फाइनल में उन टॉपिक्स को भी अलग ही लेवल पे पढ़ाया जाएगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर कोई बच्चा इस पेपर को पहली बार पढ़ रहा है, मतलब जैसे मान लो किसी बच्चे ने इंटर में लॉ पढ़ रखा है और उसको इंटर का लॉ, बहुत सारे बच्चे रट के आते हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्लास नहीं लगाई होती है, बहुत सारे बच्चों ने जिन टीचरों से लगाई होती है उनका समझ नहीं आया होता, तो अगर किसी बच्चे को इंटर का लॉ याद नहीं भी है तो भी चलेगा। मैं आपको प्रिज्यूम करके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, मैं जीरो से बेस बनवाकर आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं मान के चलूंगा आपने इंटर में जो भी पढ़ा वो सब नीलबटा सन्नाटा है, मैं मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता। मैं फाइनल के बच्चे को भी बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाऊंगा, तो आपको पहले का आता है नहीं आता उसको भूल जाओ, अपने मन से डर खत्म कर देना कि सर मेरे को पहले का नहीं आता। और जो कहते हैं कि मेरे को पहले का याद है, आपका भी भ्रम दूर कर देंगे, आपको भी नहीं आता, तो वो भी दिखाएंगे कैसे, जब आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको बहुत कुछ नहीं आता। तो आपको मैंने आपके कोर्स की पेपर की वेटेज की बात बता दी कि कोर्स आपका किसकी तरीके डिवाइड है। कंपनी लॉ में आपको मेनली जो कुछ सेक्शंस आपने जो कंपनी लॉ में पहले से पढ़ रखे थे, आपको पता हो कंपनी लॉ में टोटल में 470 सेक्शंस हैं, लेकिन आपको पूरे नहीं पढ़ने, आपको लिमिटेड सेक्शन अप्रॉक्सिमेटली 150 से 200 सेक्शन के बीच में पढ़ाए जाएंगे बस। वो 200 सेक्शंस ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के एक से लेकर 200 तक हैं, मिक्स हैं, कुछ स्टार्टिंग के हैं, कुछ बीच के हैं, कुछ लास्ट के हैं, ऐसा है आपके कोर्स में। फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड तो पूरा अलग से एक अलग चैप्टर ही है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि कंपनीज को अच्छे तरीके से चलाना, इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो। और फिर इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक लॉ में आपका बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉज, फेमा के लॉ, सब पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट लेवल एनालिसिस है और मेरा प्रॉमिस है कि इस लेवल का एनालिसिस करवाएंगे। और एक बार अगर आप हमारी बुक कर लोगे और हमारे लेक्चर्स कर लोगे तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, उससे बाहर पेपर नहीं आता। और हम आपको एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, जिसमें पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी, उनके सजेस्टेड आंसर्स कवर होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक बार जो बच्चा हमारे लेक्चर्स कर लेगा और बुक कर लेगा, उसे अलग से कुछ नहीं करना होता, उससे बाहर पेपर नहीं आता। और आपको हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस चाहिए हो तो ये नीचे नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, चलो बात खत्म हो गई आपके पेपर में वेटेज वाइज क्या है। अब हम शुरुआत करते हैं आपके पेपर की, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है। आज मैं ऑफिशियली कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा फॉर्मल तरीके से, आज सिर्फ आपका बेस बनवाएंगे, अगली क्लास से आपका चैप्टर स्टार्ट पे जाएंगे, आज सिर्फ प्रॉपर बेस बनाएंगे कि लॉ वगैरह का सिस्टम क्या रहता है पूरे इंडिया में। ठीक है जी, चलो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अब हमने ये देख लिया कि आपके कोर्स में किस किस टॉपिक की क्या क्या वेटेज है, अब हम बात करेंगे लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। आज मैं ऑफिशियली कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा आपके कोर्स का, सिर्फ आज बेसिक बातें करेंगे लॉ को लेकर, लॉ क्या है, कौन बनाता है, कैसे बनता है वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं कभी किसी बच्चे से पूछता हूं ना लॉ क्या है, तो मेरे को पता है वो क्या बोलता है, सर कानून। ये तो वही बात हो गई, फ्रेंड मतलब कौन, दोस्त। इसका मतलब आप मेरे को समझा नहीं रहे हो, आप मेरे को इंग्लिश की हिंदी बता रहे हो। अब भगवान ना करे किसी अंग्रेज ने तुम्हारे से पूछ लिया कि व्हाट इज लॉ, तो तुम क्या बोलोगे, कानून। अब तुम कानून बोलोगे तो उसे कानून समझाना भारी पड़ जाएगा, कानून क्या होता है। सेम वही वाली हालात होगा अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लेता ना एसेट क्या है, एसेट, तो पता है वो क्या बोलेगा, लैंड, बिल्डिंग।
अगर मैं बोलूंगा लाइबिलिटी क्या है तो कहेगा लोन, तो आप मेरे को एसेट और लाइबिलिटी नहीं समझा रहे हो, आप मेरे को उसके एग्जाम्पल दे रहे हो। तो अल्टीमेटली मैं आज ये वाली बात करूंगा कि अल्टीमेटली हमें चीज समझनी है कि वो चीज होती क्या है। तो लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, सबके बारे में बात करेंगे। मैं ना उल्टा चलूंगा, उल्टा चलूंगा मतलब इन द सेंस कि जैसे ना हम कैसे चलेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे लॉ कौन बनाता है, हम ऐसे चलेंगे, इस प्रोसेस से चलेंगे, फिर हम देखेंगे लॉ कैसे बनता है, फिर आखिरी में बात करेंगे लॉ होता क्या है। मतलब मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा चल रहा हूं, वरना कायदे से मेरे को सिखाना क्या चाहिए था, लॉ क्या होता है, फिर कैसे बनता है, फिर कौन बनाता है, मतलब कैसे बनता है और कौन बनाता है, मेरे को ऐसे सिखाना चाहिए था, लेकिन मैं उल्टा कैसे चल रहा हूं। पहले मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा आज क्या कि लॉ कौन बनाता है, कैसे बनता है, फिर आखिरी में बात करेंगे लॉ क्या होता है, फिर बात करेंगे कितने तरीके के लॉ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ना मैं कई बार अक्सर बंदे से पूछता हूं, कई बार मैं बच्चे से पूछता हूं कि लॉ कौन बनाता है, तो बंदा कहता है सरकार बनाती है। जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, कोई भी लॉ गलत बन जाता है, जैसे जीएसटी आया था तो उससे बहुत सारे लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, तो उसमें लोगों ने ना गाली देनी शुरू कर दी कि मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर कोई और नया लॉ आता तो फिर दूसरी सरकार को गाली पड़ती है। तो ले देखिए अल्टीमेटली जो हम सरकार को गाली देते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ऐसा लॉ बना दिया, सरकार ने वैसा लॉ बना दिया, क्या एक्चुअल में सरकार लॉ बनाती भी है या नहीं, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में लॉ कौन बनाता है, ठीक है जी, उससे शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉ होता क्या है। तो आपको ना मैं बैकग्राउंड पर लेकर जा रहा हूं, मैं कहां पर लेकर जा रहा हूं आप लोगों को, 8th-9th क्लास के अंदर आप लोगों को सिविक्स में एक चीज सिखाई जाती थी, सिविक्स में 9th क्लास के अंदर, इंडियन लीगल सिस्टम के, या उसको स्टेट भी बोलते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं, वैसे तो चार होते हैं लेकिन मेनली तीन ही होते हैं, आपको सिखाए जाते हैं। कुछ याद है आपको, 9th क्लास में सिखाई जाती है। बच्चा कहता है सर हमारे को 6 महीने पहले पढ़ाए हो, याद नहीं है, आप 9th क्लास की बात कर रहे हो। मैं समझता हूं बेटा, सब समझता हूं, चलो चलो जरा देखो। तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि इंडियन लीगल सिस्टम के, इसको हम बोलते हैं इंडियन लीगल सिस्टम के, लीगल सिस्टम कह लो या इसको स्टेट कह लो, इसके तीन ऑर्गन्स होते हैं। ये हम लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा था। अभी क्या ऑर्गन थे मैं जरा आपको याद दिलाता हूं, किसी कईयों को तो मेरे बोलते याद आ भी गए होंगे। वो तीन ऑर्गन्स क्या क्या थे, एक था लेजिस्लेटिव बॉडीज, एक था एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, और एक था जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज, कुछ लोग ना इसको चार ऑर्गन भी बोलते हैं, चौथा पिलर भी बोलते हैं, मीडिया, मीडिया भी इसमें कवर करते हैं, लेकिन हमारा उससे कोई खास लेना देना है नहीं। हमारे लीगल पर्सपेक्टिव से इंडियन लीगल सिस्टम के तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज और जुडिशियल बॉडीज। ये अगर मैं आपको लेके जा रहा हूं 9th-10th में आपको पढ़ाया गया था। अब इनका काम क्या होता है, लेजिस्लेटिव बॉडीज का काम होता है टू मेक लॉज। हमारे इंडिया में जो बॉडीज लॉ बनाती हैं उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ बनाने का काम इनका है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का काम होता है टू इंप्लीमेंट द लॉज, जुडिशियल बॉडीज का मतलब काम होता है टू इंटरप्रेट द लॉ एंड पास द जजमेंट। फिर इन बॉडीज में कौन कौन लोग आते हैं अभी उनके बारे में बात करेंगे। तो हम जो लोग बोलते हैं कि यार लॉ सरकार बनाती है, सरकार बनाती है, सरकार लॉ नहीं बनाती, सरकार लॉ चलाती है। अब सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, सरकार लॉ बनाती नहीं है, सरकार लॉ चलाती है। और दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में जो दिखता है वही गाली खाता है, सामने जो दिख रहा है वही तो गाली खाएगा। अब मैं बताता हूं कैसे।
हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज लॉ बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को लॉ, एग्जीक्यूटिव बॉडीज उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाती हैं, लागू करवाती हैं, चलवाती हैं, और जुडिशियल बॉडीज उस लॉ के बेस पे इंटरप्रेट करके जजमेंट पास करती हैं। अब इस लेजिस्लेटिव बॉडीज का काम है लॉ बनाना, और हमारे इंडिया में मेनली दो ही लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, हमारे इंडिया के अंदर मेनली दो ही लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, एक है पार्लियामेंट और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि लोकल लेवल पे भी लॉज बनते हैं, लेकिन मेनली जो दो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो दो ही हैं, एक है पार्लियामेंट और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। इसको स्टेट लेजिस्लेचर को हम दूसरा नाम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। आप ये लिखते चलना, क्योंकि मेरे को ना फिर बाद में डिलीट करना पड़ेगा, मैं हटाऊंगा इसमें से कुछ चीजें थोड़ा सा साफ साफ करने के लिए। चलो अभी के लिए ऊपर ऊपर यहीं रखते हैं। तो हमारे इंडिया में दो लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पहले इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। देखो, जो हमारे इंडिया में ना दो तरीके के लॉ होते हैं, एक वो वाले लॉ होते हैं जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, और एक वो वाले लॉ होते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इस स्टेट का अलग, दूसरी स्टेट का अलग। एग्जांपल लेके बात करते हैं, जो आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे, इनकम टैक्स 1961 पढ़ोगे, है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये सब जो आपने पढ़े हैं, ये वो वाले लॉ है जो पूरे इंडिया पे लगते हैं। एक तो ये वाले लॉ हो गए, एक वो वाले लॉ होते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इस स्टेट का अलग, दूसरी स्टेट का अलग। एग्जांपल लेके बात करते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट। मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला जब आप रोड पे जाते हो तो आपका चलान काटता है ना, तो वो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग चलान काटता है उस एक्ट का नाम है मोटर व्हीकल्स एक्ट। अब ये ना हर स्टेट का अलग है। अच्छा, जैसे दिल्ली के अंदर क्या होता है कि जो बंदा कार चला रहा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, जो बराबर में बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, और साथ में दिल्ली के अंदर एक ऐसा भी सिस्टम है कि अगर कोई बंदा स्कूटर या बाइक चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है, तो उसमें आगे जो बैठ के चला रहा है उसको भी हेलमेट लगाना है, पीछे जो बैठा है उसे भी हेलमेट लगाना है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी है जहां पे सिर्फ आगे बाइक चलाने वाले को हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को नहीं पहनना। बहुत सारी स्टेट ऐसे जहां पे सिर्फ कार चलाने वाले को सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को नहीं लगानी है, और चलान का रेट भी अलग अलग है। दिल्ली में रेड लाइट जंप करने का चलान का रेट अलग है, दूसरी स्टेट में अलग है। तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों हो पा रहा है, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हर स्टेट का मोटर व्हीकल एक्ट अपना अपना है, उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, हर स्टेट के लॉ अपने हिसाब से बने हुए हैं ये वाले। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड मैं कंपनी एक्ट की बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं, अगर आप वो वाला लॉ वायलेट करोगे तो पूरे इंडिया में पेनल्टी सेम है। अगर आप दिल्ली की कोई कंपनी, अगर वो यहां पर कोई लॉ तोड़ती है तो उसको भी सेम पेनल्टी लगेगी, अगर सेम वायलेशन कोई मुंबई में कंपनी करती है उसको भी सेम पेनल्टी लगेगी। तो वो लॉ जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, एक वो वाली कैटेगरी वाले लॉ होते हैं, एक वो लॉ होते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, ये वो वाले लॉ बनाती है जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। पार्लियामेंट जो होती है ये वो वाले लॉ बनाती है जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एटसेट्रा। जो दूसरी लॉ मेकिंग बॉडी है वो कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। स्टेट टू स्टेट क्या करते हैं, वेरी करते हैं, मतलब इस स्टेट का अलग, दूसरी स्टेट का अलग, हर स्टेट में अलग है। तो इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट। वैट, आपको पता होगा पहले सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, एक्साइज होता था, उसकी जगह पे जीएसटी आ गया, लेकिन वैट अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर आप दारू पे देखोगे, अल्कोहल वगैरह पे देखोगे तो आज भी वैट ही लगता है। तो वैट वगैरह अभी खत्म है, वैल्यू एडेड टैक्स एटसेट्रा, तो ये हर स्टेट का अलग है। पेट्रोल पे वैट लगता है, दारू पे वैट लगता है ना, तो इन सब चीजों पे वैट लगता है। तो अल्टीमेटली हमारे इंडिया की दो लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट वो वाले लॉ बनाती है जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इस स्टेट का अलग, दूसरी स्टेट का अलग। तो अब सुनना पड़े ध्यान से,
पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है इसको इंप्लीमेंट करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिया लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगी, लागू कौन करवाएगी, कि इस लॉ को फॉलो कैसे करना है, किस डेट से करना है, वो सब कौन बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। एंड इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है इसको इंप्लीमेंट करवाती है स्टेट गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसजी, इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसको लागू कौन करवाएगी, कि मतलब अब लॉ तो बन गया, अब इसको किस डेट से फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, वो कौन बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो कौन बताएगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब सुनना बड़े ध्यान से, देखो जब मैं बोल रहा हूं ना पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर जो लीडिंग सरकार है, जैसे अभी इंडिया के अंदर मोदी सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल लेवल पे वो लीडिंग सरकार हो गई, तो पार्लियामेंट के अंदर जो लीडिंग सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी होती है, प्लस ऑपोजिशन भी होती है, दोनों होते हैं ना पार्लियामेंट में। जब वोटिंग करवाई जाती है, जब नया लॉ बनता है, तो वहां पे दोनों होते हैं, अपोजिशन वाले भी होते हैं और लीडिंग सरकार भी होती है। तो हम ये कैसे बोल सकते कि सरकार ने लॉ बनाया? सरकार लॉ बना नहीं रही है, एक बार जब वो लॉ बन जाएगा तो उसको लागू कौन करवाएगी? लीडिंग सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे अभी से इंडिया में लीडिंग सरकार कौन है? बीजेपी। तो उसको लागू कौन करवाएगी? बीजेपी करवाएगी, कि इसको फॉलो कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, किस डेट से फॉलो करना है, वो सब बीजेपी बताएगी। लेकिन जिस टाइम वो लॉ बन रहा था उस टाइम पे पार्लियामेंट में दोनों लोग थे, लीडिंग सरकार भी और ऑपोजिशन भी, तो इसलिए सरकार लॉ बनाती नहीं है। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे सरकार लॉ बना रही है तो ऑपोजिशन का क्या काम है? सबकी वोटिंग करवाई जाती है, दोनों लोग होते हैं, उसके बाद वोटिंग के बेस पे लॉ पास होता है, उसमें एक मेजोरिटी का सिस्टम होता है, उसके रिक्वायर्ड मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास करेगी तो आपका लॉ पास होगा, तो लॉ बनेगा। तो पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो उसके अंदर तो लोग दोनों होते हैं, लेकिन जब एक बार वो लॉ बन गया तो उसको लागू कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब भी कोई लॉ आता है ना तो हम लोग सरकार को गाली देते हैं, साला सरकार ने ऐसा कर दिया। वो इसलिए गाली देते हैं क्योंकि नजरों में इंप्लीमेंट कौन करवा रही है? बीजेपी सरकार। सेम ऐसे अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बात करूं तो जब वो लॉ बना होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया होगा, लेकिन जब उसको लागू करवा रही होगी तो दिल्ली के अंदर जो लीडिंग सरकार है वो करवा रही होगी, जैसे केजरीवाल की सरकार है वो करवा रही होगी उसको लागू। अब जब उसे लागू वो करवा रही होगी तो हम लोग गाली किसको दे देंगे कि ये लोग ये कर रहे हैं? तो अल्टीमेटली मैं कहना, आम आदमी पार्टी ये कर रही है, तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लॉ मेकिंग बॉडीज कौन कौन है, याद रखना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सरकार लॉ नहीं बनाती, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो उसको लागू कौन करवाती है? सरकार करवाती है। अब लोगों की नजरों में सरकार ही लॉ जो है इंप्लीमेंट करवा रही है, तो गाली भी किसको पड़ती है? सरकार को। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, अभी जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है इसको बनाया किसने है? स्टेट लेजिस्लेचर ने। इन्होंने लॉ बनाकर छोड़ दिया। अब रोड पे खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काट रहा है। अच्छा, चालान जो काट रहा है वो तो सरकार का पार्ट है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट थोड़ी है, वो तो सरकार का हिस्सा है, एक गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा है, पुलिस एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो उसका हिस्सा है। तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काट रहा है, जब उसने अगर मान लो किसी ट्रैफिक पुलिस ने आपका 2000 रुपए का चालान काट दिया, तो आप गाली जिसने लॉ बनाया था स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको नहीं दोगे, आप गाली किसको दोगे? उस ट्रैफिक पुलिस वाले को, कि साले ने मेरा चालान काट दिया। यही बोलते आओगे ना घर में, किलसते किलसते आओगे कि साले ने मेरा चालान काट दिया आज। ऐसा क्यों? जबकि लॉ उसने थोड़ी बनाया, लॉ तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, वो तो उस लॉ को सिर्फ इंप्लीमेंट करवा रहा है, उस चले हुए लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है। पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आता है तो पुलिस कोई स्टेट लेजिस्लेचर थोड़ी है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉ बना रही है, लेकिन उस लॉ के बेस पे अरेस्ट कौन करेगा आपको? पुलिस वाला। तो अगर वो पुलिस वाला आपको अरेस्ट करके ले जाएगा किसी कारण, किसी भी रीजन की वजह से, तो आप गाली लॉ मेकर को थोड़ी दोगे, आप तो गाली पुलिस वाले को दोगे, साला अरेस्ट करके ले गया मेरे को। क्योंकि क्यों? क्योंकि हमारे को फ्रंट पे वही दिख रहा है, और वो सब किसका पार्ट है? सरकार का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट किसका पार्ट है? सरकार का पार्ट है। और सरकार लॉ बनाती नहीं है, सरकार क्या करती है? लॉ इंप्लीमेंट करवाती है। तो ये पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले अपना लॉ को, जो बना हुआ लॉ से इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो सामने पब्लिकली ये दिख रहा है, तो गाली यही खाते हैं, मगर ये लॉ ने लॉ बनाया नहीं है, तो बने हुए लॉ को सिर्फ इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे को भी एक बात समझ आ गई, हमारे इंडिया में दो तरीके की लॉ मेकिंग बॉडी है, एक है पार्लियामेंट, एक है स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट वो वाले लॉ बनाती है जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए जो हमने जो पहली बॉडी पढ़ी ना, लेजिस्लेटिव बॉडीज, इसके अंदर दो जो बॉडी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या? टू मेक लॉज। और ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का क्या काम है, अब आपको समझ आ गया।
ठीक है, तो हमारा पहला कंसेप्ट खत्म हो गया। तो ये एक तो हो गई लेजिस्लेटिव बॉडीज, अब आती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज का काम क्या है? टू इंप्लीमेंट लॉज, बने हुए लॉ का इंप्लीमेंट करवाना। तो इसके अंदर कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार लॉ बनाती नहीं है, तो इंप्लीमेंटिंग बॉडी है ना। अभी हमने देख लिया कि जो लॉ बनाया पार्लियामेंट ने उसको इंप्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस वगैरह हो गए ना, पुलिस के डिपार्टमेंट्स, ये सब किसका पार्ट है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज, हमारे इंडिया में क्या होता है, मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज रूल्स बनाती हैं। अच्छा, एक्ट और रूल में फर्क होता है, जैसे हम पढ़ रहे कंपनीज एक्ट, एक्ट में क्या होते हैं सेक्शन, रूल्स अलग चीज होती है। अभी एक्ट और रूल्स में क्या फर्क होता है, अभी आगे जाके वो भी बताऊंगा, अभी आगे जाके वो भी बताऊंगा। तो जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट बना रही है, लेकिन जो रूल्स होते हैं वो मिनिस्ट्रीज बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं। गवर्नमेंट ने पावर दे रखी मिनिस्ट्रीज को, तो मिनिस्ट्रीज भी इसके अंदर आती हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब यहां आती हैं। तो अब एक आपको समझ आ गई, तो पहली बॉडी है हमारे इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी, जिनका काम है लॉ बनाना, और जो लॉ बन गया उसको लागू कौन करवाती है? सरकार करवाती है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर वो लोग आते हैं जो पुलिस वाले हो गए, ये सब हो गए, ये सब यहां आते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज में। तो इनका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, जो लॉ बन चुका उसे क्या करवाना? इंप्लीमेंट करवाना। तो ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हो गई। और तीसरी कौन सी आती है? जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज का काम क्या है? अगर कोई जब डिस्प्यूट हो गया तो इस लॉ, उसी जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया उसको पढ़ के उसके बेस पे जजमेंट पास करना। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, एटसेट्रा। तो इसके अंदर कौन आते हैं? कोर्ट्स वगैरह आते हैं। तो हमारे इंडिया में तीन लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, लॉ मेकिंग बॉडी कह रहा हूं, सॉरी, तीन हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के तीन ऑर्गन्स हैं, स्टेट की तीन ऑर्गन, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज, इनका काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इनका काम है टू इंप्लीमेंट लॉज। और तीसरा अगर जुडिशियल बॉडी, इनका काम क्या है? उस लॉ को इंटरप्रेट करके जजमेंट पास करना है। जो मैंने लिखा ना स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब ही लॉ मेकर होता है, लॉ बनाना। अच्छा, एक बात और, तुमने सुना होगा ना एमपी एमएलए, ये एमपी एमएलए क्या होते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, एमपी क्या होता है और एमएलए क्या होता है, तुम सुनना। देखो, जो लोग पार्लियामेंट में काम करते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए, जो लोग पार्लियामेंट में काम करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए, तो उन्हें हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वो बोलते हैं ना चाचा हमारा विधायक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एंड जो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करते हैं वो वहां के मेंबर हो गए, तो इनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो यहां के काम कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एमएलए। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो एमएलए बड़ा है, एमपी बड़ा, एमपी बड़ा, क्योंकि एमपी जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर है, और पार्लियामेंट वो वाले लॉ बनाते हैं जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, और जो एमएलए है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, और ये वो लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी कहानी खत्म। हमने अभी एक चीज समझी कि इंडियन लीगल सिस्टम के कितने ऑर्गन होते हैं, ये बात खत्म हो गई। अच्छा, हमारे इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उसको वो काम करने की जो पावर, ऐसे जो पार्लियामेंट, तुम्हारे को बताया पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ये पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर आई कहां से है? ये जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है इसको लॉ बनाने की पावर आई कहां से है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये जो कोर्ट न्याय दे रहा है इनको न्याय देने की पावर आई कहां से है? हमारे इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उन सबको वो काम करने की पावर कहां से आई है? वो आई है भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अच्छा, अब मैं किसी बच्चे से पूछ लेता ना व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो पता है मेरे को क्या बोलेगा?
सर्व संविधान, फिर वही वाली बात, तुम मेरे को समझा नहीं रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तुम मेरे को यह बता रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी क्या है संविधान। तो अब मैं तुम्हारे को पहले यह बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, तो मैंने तुम्हारे को बताया कि इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उसको वो काम करने की पावर कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में ले से। अच्छा, किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने, याद आ रहा कुछ? कब कहां पढ़वाया गया था तुम्हारे? और बेसिकली ये बनाया नहीं गया था, मतलब इन्होंने नहीं बनाया था, मतलब इनका मेन रोल है इसलिए इनका नाम लिया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी, इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उसमें सबसे बड़ा रोल इनका था, इसलिए इनका नाम ऊपर आता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बनाया था। और बेसिकली बनाया नहीं गया था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था, अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था और उसको फिर इंडिया के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया था। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बनाया था, तो और ये हमारे इंडिया में लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। तो इसीलिए इसको वो आप लोग जो रिपब्लिक डे मनाते हो इसी वजह से मनाते हो, है ना? तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, मैं किसी बच्चे से पूछता हूं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मेरे को पता बोलता है भारत का संविधान। तो ये तो अपने हिंदी बताई, अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में तुमसे कोई पूछ ले एक लाइन में कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुम पता है क्या बताओगे? इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो रास्ता दिखाता है कि देश चलेगा कैसे। मैंने अभी तुम्हारा वो क्या बोला, फंडामेंटल मीन सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं। अच्छा तुमने, अच्छा इसीलिए इससे हम पता, आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है, लॉ मेकर लॉ बना रहा है, उनको लॉ बनाने की पावर किसने दी? संविधान ने। पुलिस वाला रोड पर खड़े होकर काम कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो भी काम कर रही है उनको पावर किसने दी? सरकार ने, संविधान ने। कोर्ट न्याय दे रहे हैं, उनको वो न्याय देने की पावर किसने दी? संविधान ने। तो इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उनको वो काम करने की पावर कहां से? संविधान से। तो इसलिए कहा जाता है इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ, मतलब जो ये बताएगा वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर भारत में कुछ नहीं है। इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इसलिए फंडामेंटल मीन सुप्रीम, विच शोज पाथ, पाथ मीन्स रास्ता दिखाता है कि कंट्री चलेगी कैसे, कंट्री चलेगी कैसे। तो जब मैंने तुम्हारे को ऊपर बताया कि भाई ये जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इनके पास ये लॉ बनाने की पावर आई कहां से है? तो मैं वो बात कर रहा हूं, मैंने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आई है ये पावर, मैं वो बताने जा रहा हूं। हमारे इंडिया में ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, एक शेड्यूल 7। ये भी तुम्हारे लोगों को आई थिंक 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर पढ़ाया गया होगा, वही सिविक्स वगैरह के अंदर। और इसमें आपको याद होगा शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई थी, आपको याद हो अगर स्कूल में पढ़ाया गया हो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 का मतलब है यूनियन लिस्ट, याद आ रहा है कुछ? लिस्ट 2 का मतलब है स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 का मतलब है कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे इंडिया में ना इन लिस्ट के अंदर ना शेड्यूल 7 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। उसमें ना बहुत सारी आइटम्स दी हुई है, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, उन आइटम्स का मतलब है मैटर्स। तो जो मैटर्स लिस्ट 1 में आ रहे हैं, लॉ कहता है उन मैटर्स पे लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। जो मैटर्स लिस्ट 1 में आ रहे हैं यहां पे लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन है उन मैटर्स के लिए? लॉ मेकिंग बॉडी। तो जो भी मैटर्स लिस्ट 1 में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। और जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है आपको पता है वो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। जो मैटर्स लिस्ट 2 के अंदर आ रहे हैं वहां पर लॉ मेकिंग बॉडी है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। और आपको पता ही है यहां की लॉ मेकिंग बॉडी है। तो इन मैटर्स जो भी अभी तुम्हें दिखाऊंगा कौन कौन से मैटर्स कौन सी लिस्ट में आते हैं,
तो जो लिस्ट टू में मैटर्स आ रहे हैं उन मैटर्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर। और एक है कंकरेंट लिस्ट, जहां पे पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। दोनों ही लॉ मेकिंग बॉडी हैं, दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। और नीचे एक नोट और, नीचे एक नोट और डाल लो, इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देन पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैंने बताया जी, हमारे मैंने तुम्हारे को बताया ना, ऊपर हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव बॉडीज लॉ बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज लॉ को इंप्लीमेंट कराती है, जुडिशियल बॉडीज लॉ को बेस पे, लॉ के बेस पे न्याय देती है। तो मैंने बोला तुम्हारे को जो भी बॉडी इंडिया में जो भी काम कर रही है उनको वो काम करने की पावर कहां से आई है? भारत के संविधान से। तो मैंने उसमें भारत के संविधान में तुम्हारे को मैंने बताया कि पावर कहां से आई है, जो लॉ मेकर जो लॉ बना रहे हैं उनको संविधान में पावर कहां दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में दी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 में पावर कहां पे दी गई है? तीन लिस्ट दी हुई है वहां पे, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉस, लिस्ट 1 में बड़े सारे मैटर दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। लिस्ट 2 में बड़े सारे मैटर दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर। और लिस्ट 3 में बड़े सारे मैटर दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर। अच्छा, इसलिए आपको याद होगा मैंने जो तुम्हारे को एग्जांपल दिया था कंपनीज एक्ट, और मैंने बोला था वो लोग पार्लियामेंट बनाती है, इसका मतलब कंपनीज वाला मैटर कहां पे होगा? लिस्ट 1 में होगा। इनकम टैक्स वाला मैटर कहां पे होगा? लिस्ट 1 में होगा। लेकिन मैंने तुम्हारे को बताया था कि वैट दारू पे लगता है, पुलिस जो है, पुलिस जो चलान काटती है, पुलिस हर स्टेट की अलग होती है, तो उनसे रिलेटेड जो लॉज है वो यहां दिए हुए हैं स्टेट लिस्ट में। और कुछ लॉ ऐसे हैं जहां पे दोनों मिलकर बनाती हैं सरकार, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुमने कई बार देखा होगा जो लोग दिल्ली से हम जानते हैं कि दिल्ली में कई बार अगर जमुना में पानी भर जाता है तो हम लोग, अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो हम लोग हरियाणा छोड़ देते हैं, और हरियाणा में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो वो लोग दिल्ली छोड़ देते हैं। अगर ये पावर स्टेट के हाथ में हो तो मजाल है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट को पानी छोड़ने दे दूसरी स्टेट के अंदर। तो ऐसे वाले जो मैटर है जहां पे दोनों स्टेट, दो स्टेट में कंफ्लिक्ट हो सकता है, ऐसे मैटर्स को लिस्ट 3 में डाला गया कि जहां पे अगर कोई दो स्टेट में कंफ्लिक्ट हुआ तो पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगी और फिर मिलकर लॉ बनाया जाएगा। और इसलिए मैंने एक नोट भी डलवाया, इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। प्रिवेल का मतलब होता है ओवरराइड। तो मान लो दो स्टेट आपस में लड़ रही हैं कि भाई मैं पानी छोड़ने नहीं दूंगी, वो कह रहा है हमको छुड़वाना है पानी क्योंकि हमारे यहां ज्यादा हो रहा है, वो आपस में लड़ गई तो पार्लियामेंट ने बोला छोड़ो, अब स्टेट मुकर रही है नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी पानी, या दूसरी स्टेट कह रही है मैं नहीं मैं तो पानी लूंगी नहीं अपने पास। अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट जो बोलेगी वही माना जाएगा। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाते हैं, और अगर स्टेट ज्यादा अड़ंगे डालेगी तो पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी, स्टेट की बात नहीं मानी जाएगी, जो लिस्ट 3 के मैटर्स हैं उनमें। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे को ना दिखाता भी हूं शेड्यूल 7 प्रैक्टिकली कि कौन कौन से मैटर किन किन लिस्ट में आते हैं। तो जो मैटर लिस्ट 1 में आएंगे उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। जो मैटर लिस्ट 2 में आएंगे उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर। और जो मैटर लिस्ट 3 में आएंगे उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाएंगे। अब तो मैं दिखाता हूं, अब ये देखो गाइस खुल गया। अब ये देखो लिस्ट 1, यहां पे नाम क्या दिया हुआ है? शेड्यूल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के, खुल गया था, पहले ऊपर खुल नहीं रहा था ना, नेट की दिक्कत आ रही थी। अब देखो इसमें जो मैटर्स दिए हुए हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया, जैसे आपको पता होगा इंडिया में डिफेंस वालों के खुद के एक्ट हैं, नव मिलिट्री वालों के खुद के एक्ट हैं, आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल ब्यूरो, सीबीआई, ये सबसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं लिस्ट 1 में दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। लिस्ट 1 के मैटर्स हैं वॉर से रिलेटेड लॉ, रेलवे से रिलेटेड लॉ, आपको पता है रेलवे सेंट्रल का मैटर है ना, कहते हैं ना जो लोग रेलवे में जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, एयरप्ले एयरवे से रिलेटेड लॉ। अच्छा, जो हम लोग कंपनीज की बात कर रहे थे तो मैं जरा उसके बारे में भी तुम्हारे को लेके चलता हूं। ये देखो यहां पे आ रहा, ये आ रहा यहां पे, यहां पे ये रहा एंट्री नंबर 43 एंड एंट्री नंबर 44।
इसको हम एंट्री नंबर बोलते हैं. इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन बाइंडिंग ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल कंपनी बट नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एंड इन 44 पे आ रहा है इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन बाइंडिंग ऑफ कॉर्पोरेशन वेदर ट्रेडिंग और नॉट विद ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन सेट बट नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज. मतलब वो कंपनी जो ट्रेडिंग में डील करती है इन कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, मतलब कंपनीज बनाने की बात हो रही है कॉपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर, और नीचे वाले में 44 में जो ट्रेडिंग में नहीं भी डील करती नॉर्मल सर्विस सेक्टर वाली हर तरह की कंपनी है. तो लेते कंपनीज तो आ गई ना, तो कंपनीज एक्ट इसका मतलब क्योंकि कंपनी से रिलेटेड लॉ कहां बनेंगे, लिस्ट वन में मैटर दिया हुआ है तो इसलिए पार्लियामेंट बनाती है. अच्छा इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है क्योंकि बैंकिंग मैटर कहां दिया हुआ है, बैंक्स के लिए यहां पे दिया हुआ है. इंडिया में इंश्योरेंस के लॉ है इंश्योरेंस एक्ट, तो वो कहां पे आ गया, यहां पे आ गया. सेबी के लॉज हैं वो भी पूरे इंडिया में लगते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के लॉज यहां पे. तो ले लेते जो लिस्ट वन के मैटर है इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट. ये हमने लिस्ट वन देख ली. लिस्ट टू पे चलते हैं, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज दी हुई है. अब लिस्ट टू पे चलते हैं, तो लिस्ट वन में जो मैटर्स दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट. लिस्ट टू पे चलते हैं, लिस्ट टू. अब लिस्ट टू के अंदर क्या क्या आ रहा है, पब्लिक ऑर्डर. अच्छा पब्लिक ऑर्डर मगर नॉट बट नॉट इंक्लूडिंग द यूज ऑफ नवल और मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री वगैरह ऊपर कवर थी. इसके अलावा जो बाकी चीजें जैसे एग्जाम्पल पुलिस वगैरह देखो नीचे की तरफ आ रही है ना, या हाई कोर्ट. अच्छा आपको पता होगा हाई कोर्ट जो है लो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया लेवल पे हो गया, हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना होता है तो अपने लेवल पे लॉ बनाते हैं. लोकल गवर्नमेंट एग्जांपल एमसीडी वगैरह म्युनिसिपैलिटी वगैरह है ना, इन सबसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर. ये लिस्ट टू का मैटर हो गया जो तुम्हारे को मैंने बताया था. एग्रीकल्चर आपको पता हर स्टेट का अलग होता है तो उससे रिलेटेड मैटर कहां पे आ गए, लिस्ट टू में. और नीचे चलते 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 हैं लैंड से रिलेटेड लॉ, आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी का सिस्टम हर स्टेट का अलग होता है तो उससे रिलेटेड लॉ भी कहां आते हैं, लिस्ट टू में. अच्छा टैक्सेस ऑन अल्कोहल लिकर, अल्कोहलियम लिकम फॉर हु ह्यूमन कंजम्पशन, कुछ याद आ रही होगी बात मैंने बताया था, वैट लगता है उसके ऊपर और हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. मैंने बोलता वैट स्टेट का मैटर, हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसलिए लिस्ट टू में आ रहा, स्टेट लेजिस्लेचर इस रिलेटेड लॉ बनाती है. फिर तीसरी लिस्ट आती है कौन सी, कंकरेंट लिस्ट, ये रही लिस्ट थ्री आ गई कंकरेंट लिस्ट. इसमें आता है क्रिमिनल लॉ. अच्छा क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, आपको पता होगा हमारे इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, अब तो इनकी जगह पे दूसरे लॉ आ गए हैं, इनकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता और ये सब लॉ आ रहे हैं नए नए. तो ये जो इंडिया में लॉ बन रहे हैं जो नए नए आ रहे हैं क्रिमिनल लॉ, ये सब में क्या होता है कि ये तो सेंट्रल एक्ट हो गए प्लस हर स्टेट को भी पावर दी हुई है क्राइम को हैंडल करने के लिए, तो वहां पे पार्लियामेंट प्लस स्टेट दोनों मिलके हैंडल कर रही है उस चीजों का, इसलिए ऐसे वाले मैटर कहां पर आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं. तो ये थर्ड मैटर हो गया, जो इसमें वो वाले मैटर आ गए जो लिस्ट थ्री में आते हैं. तो आपको समझ आ गए कि कुछ मैटर ऐसे लिस्ट वन में है उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कुछ मैटर ऐसे लिस्ट टू में उसमें स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, कुछ ऐसे यहां पे दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, तो वो वाले मैटर कहां आते हैं, लिस्ट थ्री के अंदर आते हैं. ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया शेड्यूल सेवन कैसा दिखता है और उसकी एंट्रीज जो उसमें मैटर्स हैं वो कैसे कैसे हैं. अब आगे बढ़ते हैं. तो गाइज अब आपको ये समझ आ गया कि लॉ कौन बनाता है, अब हम बात करते हैं कि लॉ बनता कैसे. हमारा वो जो तीन क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था उल्टा चलेंगे, पहले बात करेंगे लॉ बनाता कौन है, फिर बात करेंगे लॉ बनता कैसे है, फिर बात करेंगे कि लॉ होता क्या है. तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया लॉ कौन बनाता है, और वो अब आपको क्लियर हो चुका है वो लॉ मेकिंग बॉडीज कौन कौन सी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. अब हम बात करते हैं कि लॉ बनता कैसे है. देखो लॉ कैसे बनता है मैं उसके बारे में बात करता हूं. देखो ये जो हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये जो एक्ट होता है एक्ट, ये एक्ट का मतलब अपने आप में लॉ होता है. देखिए लेकिन एक्ट ना अपने आप में कभी भी कंप्लीट लॉ नहीं होता, ये याद रखना. एक्ट का मतलब लॉ जरूर होता है लेकिन ये कंप्लीट लॉ नहीं होता. देखो चार चीजों को जोड़ के कंप्लीट लॉ बनता है, एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस, इन चारों चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लॉ बनेगा. एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन, जब चारों चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लॉ. अब इन चारों में क्या फर्क होता है वो समझाऊंगा, अभी वो भी समझाऊंगा. अभी बात करते हैं कि सर ये जो एक्ट है एक्ट, क्योंकि सबसे बड़ा मेन चीज यही है, जितने भी सेक्शन होते हैं यही होते हैं, एक्ट कैसे बनता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा ये कंपनीज एक्ट मैंने तुम्हारे बताया पार्लियामेंट बनाती है, और जो मोटर व्हीकल्स एक्ट था वो स्टेट का लॉ था, तो वो वाले एक्ट कौन बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर. तो एक्ट भी पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है. एक्ट बनाने की पावर दोनों के पास है, बस पार्लियामेंट वो वाले एक्ट बनाएगी जो पूरे इंडिया पे लगेंगे
और स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले एक्ट बनाएगी जो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। तो अब हम ना लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट वाला। पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, अब हम पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। देखो कोई भी एक्ट, एक्ट बनने से पहले बिल होता है, बिल आपने सुना होगा ना, बिल पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, लॉ मेकर्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है, सबसे पहले एक बिल रेडी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट लॉ। उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। अच्छा, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होगा, उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। जब लोकसभा भी पास कर देगी, राज्यसभा भी पास कर देगी, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट दिलवाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर अपनी क्या देंगे, असेंट देंगे। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, सहमति। उस बिल के ऊपर अपने साइन कर देंगे, बिल के ऊपर क्या कर देंगे, अपने साइन कर देंगे, सहमति। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और एक बार वो एक्ट बन गया तो फिर वो लॉ बन गया। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। और एक बार वो बिल बन गया तो वो क्या बन गया, लॉ बन गया। अच्छा, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में रहेगा, याद रखना। अगर एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में रहेगा, अगर स्मॉल में होगा तो फिर वो एक्टिविटी बन जाएगा। हम खाना खा रहे हैं, वो एक एक्टिविटी, हम साइकिल चला रहे हैं, एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बन जाएगा। एक्ट का ए हमेशा कैपिटल रहेगा, याद रखना, लॉ की, लॉ तभी कहलाएगा वो। तो कोई भी एक्ट, एक्ट कैसे बनता है, और एक्ट बन गया तो मतलब लॉ बन गया। तो कोई भी एक्ट, एक्ट बनने से पहले बिल होता है, उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे, लोकसभा राज्यसभा, उसके प्रेसिडेंट के उसके ऊपर साइन कराएंगे, उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, जैसे साइन हो गए। अब ये एक्ट बन तो गया, लेकिन अब ये मुद्दा आता है कि सर ये लॉ बन तो गया लेकिन ये इफेक्टिव कब से होगा, लागू कब से होगा। तो सर जब ये एक्ट बनता है ना, तो इसको, इस एक्ट को, एक्ट बनने के बाद ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। अच्छा, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। और इसके अंदर ना एक डेट बताई जाती है, अच्छा इसकी ना भारत सरकार की वेबसाइट है, भी तुम्हें दिखा भी दूंगा ये कहां पे आता है लॉ। एक भारत सरकार की वेबसाइट है egazette.nic.in। तो कोई भी इंडिया में जो नया लॉ बनता है ना, वो इस वेबसाइट पे अपलोड होता है। कोई भी इंडिया में जो नया लॉ बनता है वो इस वेबसाइट पे अपलोड होता है। तो जब वो लॉ बन गया, तो लॉ तो बन गया, अब ये लागू कब से होगा, किस डेट से फॉलो करना है, वो ना इधर क्या होता है कि जब वो लॉ बन गया ना, तो इस ऑफिशियल गजट में एक डेट बता दी जाती है, इसको एक कागज में पब्लिश किया जाता है, हम ऑफिशियल गजट बोलते हैं, और उसमें एक डेट बता दी जाती है कि भाई ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो कोई प्रेसिडेंट ने किसी लॉ को असेंट दी, जब वो एक्ट बना, मान लो प्रेसिडेंट ने किसी लॉ को असेंट दी 1/1/2024 को, प्रेसिडेंट ने लॉ को असेंट दी, एंड मान लेते हैं सेम डे उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश भी कर दिया गया। एंड पब्लिश करने के बाद जब उसको कागज में लिख के डाल दिया गया ऑफिशियल गजट में, भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, तो उसके अंदर लिख दिया गया कि भाई इस लॉ की जो इफेक्टिव डेट है, इस लॉ की जो इफेक्टिव डेट है वो है 15/6/2024। तो अगर ऐसी कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा वो लॉ, और अगर ऐसी कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था 1 तारीख को, उसी डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, फटाफट सम अप करो। तो कोई भी जब लॉ बनता है तो उसको ऑफिशियल गजट पब्लिश करते हैं और उसके अंदर बताते हैं इफेक्टिव डेट क्या होगी। अगर कोई डेट बताई है, जैसे हमारा ये लॉ पब्लिश हुआ 1 तारीख को, प्रेसिडेंट ने पास भी करा था 1 को, और पब्लिश हुआ 1 तारीख को, और पब्लिश करने के उसमें डेट बता दी कि नहीं ये पास तो 1 जनवरी को हुआ है लेकिन इफेक्टिव होगा 15 जून से, अगर ऐसी कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर ऐसी कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन ये पब्लिश किया गया था 1 तारीख को, उसी डेट से लॉ लागू हो जाएगा, पूरे इंडिया पे इफेक्टिव हो जाएगा। अब तो मैं दिखा भी देता हूं भारत सरकार की वेबसाइट, ये लो जी देखो,
देखो egazette.nic.in, ये हमारी भारत सरकार की वेबसाइट है। हमारे इंडिया में कोई भी जब नया लॉ बनता है तो वो इस वेबसाइट पे आता है। ये रहा। अच्छा वो लॉ किस मिनिस्ट्री है, ये देखो पब्लिश डेट आ रही है, ये लॉ बना होगा। अच्छा वो लॉ किस मिनिस्ट्री में आता है वो भी लिखा होता है। जैसे हमारा कंपनीज एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उससे रिलेटेड रूल्स बनाती है तो वो उसके अंडर आता है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो यहाँ पे लॉ पब्लिश होता है, इस डेट को पब्लिश डेट लिखी होती है, यहां से आप उस लॉ को डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से आके। और वो लॉ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है यहाँ पे ये सब लिखा होता है, तो इस वेबसाइट से निकालते हैं। लेकिन हम लोग ना प्रैक्टिकली इस वेबसाइट पे आते नहीं है क्योंकि हमारा मेनली काम कॉर्पोरेट लॉस पे होता है। तो हमारे को कोई भी नया लॉ देखना होता है या कोई भी नई अमेंडमेंट देखनी होती है तो हम यहां से निकालते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कहां से, हम कहां से देखते हैं, दिखाता हूं। हम जाते हैं यहां एमसीए की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे। हम इस वेबसाइट पे आते हैं, हमें कोई भी नया लॉ देखना होता है तो हम यहां आते हैं। यहां पे आने के बाद हम जाते हैं एक्ट एंड रूल्स में। तो इस वेबसाइट के अंदर यहां पर हमारे को ये एक्ट मिल जाएंगे। तो इन एक्ट से रिलेटेड कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, कंपटीशन एक्ट वगैरह वगैरह, हमारा इन सब से ही काम पड़ता है। और इससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो नोटिफिकेशन वाले कॉलम में हमारे को यहां दिख जाते हैं। ये आ गए, जैसे एलएलपी एक्ट में अमेंडमेंट आई है, देखो बता रहा है जी 9/11/2023 को, तो हम यहां से निकाल लेंगे। कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई है तो वो आई है जी कब, 27/10/2023 को, तो हम यहां से निकाल लेंगे। तो हम इसे क्लिक करेंगे तो एक्ट में अमेंडमेंट आ रही है तो वो भी वापस कैसे पब्लिश होगी, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में। तो देखो यहां पे लिखा हुआ गजट ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। और यहां पे इसमें डेट बताई हुई है कि देखो नीचे किस डेट से इफेक्टिव होगा, तो मैं इंग्लिश में दिखाता हूं। ये रहा, कोई अमेंडमेंट आई। अब अमेंडमेंट आने के बाद यहां पे लिखा हुआ है, देखो अमेंडमेंट कब आई, 27 अक्टूबर 2023 को। और यहां पे इन्होंने लिख दिया कि अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव होगी, तो मैं दिखाते हैं। दे शेल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन द ऑफिशियल गजट, मतलब जिस दिन ये ऑफिशियल गजट पब्लिश हुई उसी दिन से इफेक्टिव होंगी। और ऑफिशियल गजट पब्लिश कब हुई थी, 27 अक्टूबर को, तो सेम डे से इफेक्टिव होंगी। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई डेट बताई है अलग से कि इस डेट को इफेक्टिव होगा तो उस डेट से होगा, कोई डेट नहीं बताई जिस दिन हम ऑफिशियल गजट में पब्लिश करते हैं उसी डेट से इफेक्टिव होता है। गजट क्या होता है, कुछ नहीं है, एक जो अमेंडमेंट बने उसे कागज पर पब्लिश कर दिया, उसके बाद उस भारत सरकार की वेबसाइट पर ई गजट वाली वेबसाइट पर डाल दिया, तो उसको हम नाम दे देते हैं ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। ये जस्ट लाइक वैसे ही है, ये जस्ट लाइक पता है कैसा, जैसे ना तुम्हारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता था, तो उस नोटिस बोर्ड का काम क्या होता था कि कोई भी अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी होती थी स्कूल वालों को कि कल छुट्टी है, तो वो नोटिस बोर्ड पे लिखा देते थे टुमारो इज हॉलीडे, तो पूरे स्कूल को इन्फॉर्म हो जाता था। तो सेम ये egazette.nic.in भारत सरकार की जो वेबसाइट है, इसका काम क्या है कि कोई भी जो नया लॉ आएगा वो इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो इससे पूरे भारत को पता लग जाएगा कि भाई नया लॉ आ चुका है, ये इसका काम है। अच्छा ये जस्ट लाइक पता है क्या है, जैसे इसको भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं, इसका लॉजिक बताता हूं। पुराने जमाने में ना जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो उस टाइम पे ना लॉस पता है कैसे बनते थे, एनिमल्स की स्किन काटकर बनाए जाते थे, पत्थरों पे लिखकर बनाए जाते थे। वो तुमने सुना होगा ना, कुछ लोग डायलॉग मारते हैं मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, वो इसीलिए मारते हैं क्योंकि पुराने जमाने में जब लॉ एक बार पत्थर पे लिखवा दिया जाता था तो उसके बाद मिटाया नहीं जाता था, उसके बाद मिटाया नहीं जाता था, इसलिए हम उसे बोलते थे कि मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। अच्छा उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था, तो राजा जब लॉ बना देता था तो उस लॉ को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता था और उसे हम बोलते थे कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या बोलते थे, राजा का राजपत्र आ गया। अच्छा आज के डेट में राजा कौन है, भारत सरकार हमारे इंडिया में। और लॉ कौन बनाती है, तो आपको पता है पार्लियामेंट वगैरह जब ये लॉ बना देती है तो सब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र आ गया। तो पहले जो राजा का राजपत्र होता था अब वो भारत का राजपत्र हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको राजा भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं, लॉजिक बैकग्राउंड। तो अब ये लॉ कैसे बनता आपको समझ आ गया। तो कोई भी लॉ बनने से पहले बिल होगा, उसे बहुत दूसरे पार्लियामेंट से पास कराएंगे, देन प्रेसिडेंट के साइन होंगे, देन उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा, उसके बाद उसे ऑफिशियल गजट पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में। अगर पब्लिश करने के बाद कोई डेट बताई होगी तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। ये तो हो गई बात कौन सी जी, कि पार्लियामेंट जो लॉ बना, पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ बनाते हैं पूरे इंडिया पे लगते हैं, अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। अब इनका क्या प्रोसेस है, अब इसको देखो। देखो यहां पे पहला सिस्टम सेम है, कोई भी एक्ट एक्ट बनने से पहले बिल होगा, और बिल का मतलब क्या होता है, वही ड्राफ्ट लॉ, एक ड्राफ्ट लॉ रेडी किया जाएगा, देन उसको क्या करते थे, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते थे,
इसको बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाएंगे। अच्छा, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। इसको विधानसभा और विधान परिषद से पास करवाएंगे। जब एक बार विधानसभा विधान परिषद दोनों से पास हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट अपनी असेंट देंगे। वहां पे कौन असेंट देता था? प्रेसिडेंट। यहां पे कौन असेंट देगा? गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट क्या देगा? असेंट देगा। उसके बाद देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और एक बार वो बिल एक्ट बन गया तो मतलब वो लॉ बन गया। एक बार वो बिल एक्ट बन गया तो मतलब वो क्या बन गया? लॉ बन गया। बात समझ आती है जी? और उसके बाद क्या होगा? अब एक्ट तो बन गया, लॉ तो बन गया। अब इसको ना हम कहां पब्लिश करेंगे? इसे हम पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में। गजट ऑफ स्टेट में। अच्छा, उसको हम कहां पब्लिश कर रहे थे? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, क्योंकि पूरे इंडिया में लगता था। इनका हर स्टेट का अपना भी गजट होता है, अपनी वेबसाइट पे होती है, तो इनको हम ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में पब्लिश करेंगे। बस खत्म। उसके बाद आगे का कंसेप्ट सेम है। अगर इफेक्टिव कोई डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो फटाफट समाप्त करो, आपको लॉ बनता कैसे वो भी समझ आ गया। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होगा, देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे, देन प्रेसिडेंट के असेंट दिलवाएंगे, देन वो एक्ट बन जाएगा। वो लॉ मेकिंग पार्लियामेंट वाला प्रोसेस है। अगर स्टेट वाला हुआ तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होगा, फिर उसको फिर हम बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाएंगे, देन गवर्नर ऑफ स्टेट के असेंट दिलवाएंगे, देन वो एक्ट बन जाएगा। और उसको कहां पब्लिश करते हैं? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में। और इसको कहां पब्लिश करते हैं? ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में। तो आपको अब दो चीजें समझ आ गई, लॉ होता क्या है, नहीं सॉरी ये नहीं, अभी वो तो अभी बताया नहीं, लॉ बनाता कौन है, बनता कैसे, दो चीजें समझ आ गई। हालांकि अभी मैंने लॉ में देखो चार चीजें आती हैं, एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन। मैंने तुम्हारे को अभी बात बताई थी, चार चीजों को जोड़ के लॉ बनता है। मैंने एक्ट कैसे बनता है ये बता दिया, अब रूल सर्कुलर नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा अभी मैं। ठीक है जी, तो आपको यहां तक क्लियर हो गई, तुम्हारी दो चीजें क्लियर हो गई, लॉ कैसे बनता है, कौन बनाता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ क्या होता है, फिर ये रूल सर्कुलर नोटिफिकेशन के बारे में अभी बात करेंगे। तो गाइज, अब आपने ये समझ लिया लॉ बनता कैसे है, लॉ बनाता कौन है, हमने दोनों चीजें समझ ली। अब हम बात करते हैं लॉ होता क्या है। तो उसके लिए ना डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख दिया वीडियो पॉज करके, अब मैंने वीडियो वापस स्टार्ट कर दिया। जरा डेफिनेशन को सुनना पड़े ध्यान से, फिर इसको एनालाइज करेंगे डेफिनेशन को। तो तीसरी चीज आती है लॉ क्या है, तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज लॉ, तो क्या बोलता है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अभी जो लाइन लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इसका मतलब समझाता हूं। देखो क्या बोलता है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। तो हम शब्दों को समझते हैं, प्रिंसिपल्स सारे शब्दों को तोड़ते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट वर्ड आता है विच आर रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है अप्रूव्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? अप्रूव्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है इंप्लीमेंटेड। By the state, यहां पे ना स्टेट वर्ड, यहां पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहां पे स्टेट वर्ड आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, और यहां पे स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं शॉर्ट में सीजी लिख रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट में एसजी लिख रहा हूं, एंड लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज कौन होती हैं? जैसे अगर हम बात करें तो जैसे गांव में पंचायत होती हैं, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, इनके खुद के लॉ होते हैं लोकल बॉडीज। तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं एग्जांपल पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एटसेट्रा।
ये सब कौन होती हैं? लोकल बॉडीज होती हैं। अब जरा समझना इस डेफिनेशन को। देखो, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक ढांचा है किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि रिकॉग्नाइज मींस अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा? या तो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि आपको पता है लॉ मेकिंग बॉडी दो ही है, या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, फिर ये सीजीआरएसजी का क्या रोल है? अब आपको पता है इनका रोल क्या है। जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक अलग से बॉडी है लोकल बॉडीज, ये लोकल लेवल पे लॉ बनाती है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, पंचायत वगैरह अपने लेवल पे छोटे मोटे लॉ बनाती रहती है, वो कवर हो गई। ये एक अलग लॉ मेकिंग बॉडी होगी छोटे लेवल पे। तो लॉ एक बॉडी है, ढांचा है किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया है किसने? या तो पार्लियामेंट ने या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है। अप्लाइड मींस इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर? जनरल पब्लिक के ऊपर। किस लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। किस लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। तो आई होप आपको डेफिनेशन का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। तो लॉ एक ढांचा है किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि किस लिए अप्रूव करते हैं कौन? या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर? होल पब्लिक के ऊपर। किस लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। तो अब हमने तीनों चीजें समझ ली, लॉ क्या होता है वो हमने समझ लिया। अच्छा, अब आपको समझ आ गया मैंने अब क्यों बताया लास्ट में, क्योंकि आपको पार्लियामेंट का रोल क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या रोल है, कैसे लॉ बनता है, वो सब पहले नहीं पता होता तो ये डेफिनेशन बेकार लगती ना सुनने में। अब आपको सब पता है कि वो लॉ कैसे बनाती है, उनके पास पावर कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, शेड्यूल 7 से आई है, अब आपको सब पता है। और अब पूरे बैकग्राउंड से होते हुए यहां पे आ रहे हो, तो अब मैंने आखिरी में बताया लॉ क्या होता है। तो अब हमने तीनों चीजें सीख ली, लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, कौन बनाता है, और उनको बनाने की पावर कहां से आई है, ये सब हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं, लॉ ना दो तरीके के होते हैं, लॉ भी ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ, सबने सुना होगा लेकिन मतलब किसी को भी नहीं पता। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो देखो, इतना जरूर लोगों को पता है कि सिविल लॉ में थोड़ा सा पनिशमेंट कम मिलती है, क्रिमिनल लॉ में ज्यादा मिलती है, ऐसा लोगों को पता है। या सिविल लॉ में थोड़ा सा फाइन कम लगता है, सिविल लॉ थोड़ा सा लेस सीरियस इन नेचर होता है, क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा मोर सीरियस इन नेचर होता है, ये लोगों को पता है। लेकिन फर्क क्या है, बड़े ध्यान से, लोगों को पता नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में ये चीज का अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया तो आपको समझ जाएगा कौन सा सिविल लॉ, कौन सा क्रिमिनल। अगर आपका मेन एम टू पनिश समवन है, अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव, यहां पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव किसी को पनिशमेंट दिलवाना है तो फिर वो क्रिमिनल लॉ है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव टू क्लेम डैमेजेस ओनली, क्लेम डैमेजेस बोल लो या कंपनसेशन बोल लो, और अगर आपका मेन एम खाली किसी से डैमेजेस लेना या कंपनसेशन लेना है तो फिर वो सिविल लॉ है। अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, तुम बड़े ध्यान से सुनना। मान लो आप रोड से जा रहे थे और किसी बंदे ने आपके साथ, आपकी बाइक पे आपका फ्रेंड था, किसी बंदे ने जान के डंडे मारे आपके फ्रेंड के दो और आपका फ्रेंड बेहोश हो गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया। अब आप क्या चाहोगे? उसने आपके दोस्त को मारा, अब आप क्या चाहोगे कि भाई अब उसने दोस्त को मारा तो मैं चुपचाप बैठा रहा, उससे कुछ पैसे लूं और शांत हो जाऊं, या आप ये चाहोगे कि उसने मेरे दोस्त को मारा तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आप यही चाहोगे? तो ऐसा लॉ जहां पे आप किसी को पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, किसी को जेल में अंदर करवाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ। लेकिन केस टू, आप रोड से जा रहे थे, किसी ने आपकी कार पे पीछे से टक्कर मार दी और आपकी कार की बैकलाइट टूट गई। अब आप क्या चाहते हो? आपकी बैकलाइट टूट गई, आप उसको जेल में करवाना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि जिसने आपका नुकसान करा आपको उसकी भरपाई मिल जाए, उसने जो आपका नुकसान करा उसकी भरपाई मिल जाए? तो दैट इज सिविल लॉ। तो इसका मतलब अगर आपका, अच्छा सेम एग्जांपल लेके बात करते हैं, आपने किसी के कॉन्ट्रैक्ट करा था शर्ट सप्लाई करने के लिए, 100 शर्ट सप्लाई करने के लिए, और आपने बोला था इसे 1 मंथ में सप्लाई कर दियो, और उसने आपको 1 मंथ में शर्ट सप्लाई नहीं करी तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, तो आप क्या चाहते हो? कि उस बंदे को जेल में भिजवाना चाहते हो, पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, या आप सिर्फ ये चाहते हो कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मिल जाए, नुकसान जो हुआ उसका पैसा मिल जाए, जो नुकसान हुआ उसका पैसा मिल जाए? तो दैट इज सिविल लॉ। इसका मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सिविल लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ सिविल लॉ। तो इसका आपको समझ आ गया, अगर आपका मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना है तो क्रिमिनल लॉ, अगर आपका मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना नहीं है खाली कंपनसेशन लेना है तो सिविल लॉ। और कई तो, अच्छा कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे वन क्रिमिनल होते हैं, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे वन सिविल लॉ होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, जैसे मर्डर है, मर्डर का लॉ है, रेप का लॉ है,
डेकोइटी डकैती का लॉ है, ये सब वो लॉ है जो फ्रॉम द डे वन क्रिमिनल है, इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये पता ही है मैं क्रिमिनल, इनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा इस केस में, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया रेप कर दिया तो क्रिमिनल एक्शन होगा। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे वन सिविल लॉ होते हैं, एग्जाम्पल लेकर बात करें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ, ट्रेडमार्क के लॉ, किसी ने आपका ट्रेडमार्क चुरा लिया, ब्रांड नेम होता है ना, कॉपीराइट का लॉ, किसी ने आपकी बुक कॉपी कर ली, एटसेट्रा। अगर किसी ने आपका ये सब तोड़ा तो ये सब कौन से लॉ है, सिविल लॉ है, तो इनमें आपको सिविल होंगे, सिविल आपको सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे, सामने वाले को आप जेल नहीं भिजवाओगे। अच्छा, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो आपके पास चॉइस होती है कि आप उसे क्रिमिनल बनाओ या सिविल बनवाओ। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मान लो आपका एक प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है 10 साल से, और वो बंदा उस प्लॉट को खाली नहीं कर रहा, और आपको 10 साल से उस प्लॉट के ऊपर रेंट भी पे नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसमें ना दो तरीके के बंदे होंगे, एक बंदा ऐसा होगा जो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर जज को बोलेगा कि सर मेरी लैंड को खाली करवा दो और मेरे को इस बंदे से 10 साल का किराया दिलवा दो विद इंटरेस्ट, एक बंदा इस तरीके का होगा। तो यहां पे मैं उसको पनिशमेंट दिलवाना नहीं चाह रहा, यहां पे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मेरी लैंड खाली हो जाए प्लस मेरे को उससे 10 साल का रेंट मिल जाए, तो दिस इज सिविल लॉ, क्योंकि यहां मेरा मेन एम खाली कंपनसेशन लेना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं जज को जाकर यह बोलता हूं कि सर मेरे को एक तो इससे 10 साल का रेंट तो दिलवाओ दिलवाओ, लेकिन साले को उठाकर जेल में भी डालो ताकि इसको अक्कल आ जाए कि आगे से किसी और के साथ ही ऐसी हरकत ना करे, तो यहां पे मैं कंपनसेशन के साथ साथ उसको डैमेजेस भी दिलवाना चाहता हूं, मतलब उसको जो पनिशमेंट भी दिलवाना चाहता हूं, तो ये ऑटोमेटिक क्रिमिनल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या कहलाएगा, क्रिमिनल लॉ। तो यहां पे आपके पास चॉइस थी कि आप सिविल बनाओ या क्रिमिनल बनाओ। तो हमने क्या सीखा, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे वन सिविल लॉ होते हैं, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे वन क्रिमिनल लॉ होते हैं, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जहां पे आपके पास चॉइस होती है कि सिविल बनाओ या क्रिमिनल बनाओ। ये बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपसे एक बात की थी कि एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन क्या होती है, मिलाकर कंप्लीट लॉ बनता है। अब आपको यह तो पता लग गया कि एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, एक्ट में क्या होते हैं, सेक्शंस। अच्छा, ये एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। एग्जांपल लेके बात करते हैं, आपको पता ही है जो रूल्स होते हैं ना वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल एक्ट के केस में जो वो वाले जो पूरे इंडिया पे लगते हैं उसमें पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड रूल्स बनाएगी, लेकिन जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है उससे रिलेटेड रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, चीज याद रखना। अच्छा, मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, जैसे कंपनी एक्ट बनाया, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013, ये पार्लियामेंट ने बनाया। अच्छा, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ये पार्लियामेंट ने क्या बनाया, एक्ट। एक्ट में क्या है, सेक्शंस, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ना खुद कुछ नहीं करती, उन्होंने अपनी पावर आगे डेलीगेट कर रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, पावर डेलीगेट कर रखी है रूल्स बनाने की, किसको, एमसीए को। अच्छा, रूल्स का काम क्या होता है, रूल जो होता है ना वो सेक्शन को चलाने में हेल्प करता है। देखो, रूल सिर्फ आएगा ही तब पहले जब एक्ट आएगा, एक्ट पावर देता है गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की, पार्लियामेंट पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे कंपनी लॉ का एक सेक्शन 152 है, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में, कंपनी लॉ का एक सेक्शन 152 है वो किसमें डील करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। अच्छा, सेक्शन 152 ये बोलता है कि जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, तो उसके विद इन 30 डेज, के अंदर आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे तो उसके विद इन 30 डेज आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। आपको पता है ना, कंपनीज जो होती है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है, वो आरओसी बोलते हैं उसको भी, हम जब कंपनी लॉ डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट में इतना याद रखो कि कंपनी लॉ का सेक्शन 152 ये बोलता है कि जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, तो भाई सरकार को बताओगे ना, हमने अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, तो जब आपने डायरेक्टर अपॉइंट करा उसके 30 दिन के अंदर आप सरकार को बताओगे कि हमने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, और उसके लिए आप एक फॉर्म फाइल करोगे। लेकिन सेक्शन में ये नहीं बताया हुआ कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, वो फॉर्म कौन सा फाइल होगा वो रूल्स में बताया हुआ है, और रूल्स में लिखा हुआ है कि फॉर्म DIR-12 फाइल होगा। फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म DIR-12। अच्छा, DIR बना डायरेक्टर से और उसका नंबर दिया 12, तो इसका मतलब है, तुम सोचो अगर सेक्शन ही ना होता तो क्या रूल आता, नहीं आता। तो जो सेक्शन आ चुका है उसमें देखो, डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर सेक्शन नहीं दे दिया 152 ने,
लेकिन उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कौन सा फॉर्म सरकार को भेजना है वो किसने बताया? रूल्स ने। तो मतलब वो रूल सेक्शन को आगे चलाने में हेल्प कर रहा है। और रूल कौन बनाती है? आपको पता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज, मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसमें आती है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज में। और एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, पार्लियामेंट लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव बॉडीज उस लॉ को चलाती हैं। तो अगर आप यहां पे देखो तो ये लॉ बना नहीं रही है, लॉ तो ऑलरेडी सेक्शन 152 में बन चुका है, पार्लियामेंट ने बना दिया, लेकिन उस लॉ को प्रॉपर तरीके चलाना कैसे, कौन सा फॉर्म फाइल होगा, वो सिर्फ रूल में बताया जा रहा है। और रूल कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कोई भी सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनको रूल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे सेक्शन ऐसे जिनको रूल की जरूरत पड़ती नहीं, जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। तो एक्ट बिना रूल्स के चल सकता है कुछ जगहों पर, कुछ कुछ सेक्शन बिना रूल के चल सकते हैं, लेकिन रूल्स कभी भी बिना सेक्शन के नहीं आ सकते। रूल हमेशा एक्ट को स्मूथली चलाने के लिए आते हैं। तो आई होप आपको रूल्स का काम समझ आ गया। और एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट। और उनको रूल बनाने की पावर भी किसने दी है? गवर्नमेंट को। एक्ट नहीं दिए, पार्लियामेंट ने दिए। और आगे वो गवर्नमेंट ने भी पावर किसको दे दिए? कंपनी लॉ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो अलग अलग लॉ में अलग अलग मिनिस्ट्री को पावर डेलीगेट होती है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, तो उनको रूल्स किसने दी होगी? पार्लियामेंट ने, एक्ट ने दी होगी। और फिर आगे जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दी? उधर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दी इनकम टैक्स एक्ट में। यहां पे किसको दे दी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो एक्ट रूल में फर्क समझ आ गया। एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, रूल्स एक्ट को चलाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है सर्कुलर्स। अच्छा, सर्कुलर्स का मतलब होता है क्लैरिफिकेशंस। अच्छा, जब भी कोई नया लॉ आता है तो उस लॉ में अगर किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत आती है, और खाली आपको अकेले को नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों को आ रही इंडस्ट्री के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी एक्ट के केस के अंदर, जैसे मैं कंपनी एक्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे को ये प्रोविजन समझने में दिक्कत आ रही है, इसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदे की अलग निकल रही है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लगता है कि यार हर बंदा इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है इस सेक्शन में, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक सर्कुलर इशू करती है कि इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन ये लेनी है, तो उसको हम बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। मतलब वो क्लैरिफाई कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर। तो सर्कुलर का मतलब क्या था? क्लैरिफिकेशन की। अगर सेक्शन को पढ़ने में इंडस्ट्री में लोगों को दिक्कत आती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए कि इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लेनी है, वो कौन बताती है? मिनिस्ट्री बताती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। तो आई होप मेरे लिए क्लैरिफिकेशन समझ आ गई। और लास्ट वर्ड आता है नोटिफिकेशन। जब भी कोई नया लॉ बनता है, कोई अमेंडमेंट आती है, कोई भी चेंज आता है, तो वो सब मिनिस्ट्री की साइट पे क्या कर दिया जाता है? अपलोड कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। जैसे कोई नया रूल आया तो मिनिस्ट्री की साइट पे अपलोड होकर हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। कोई अमेंडमेंट आई तो मिनिस्ट्री की साइट पे अपलोड होकर हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो जो भी मिनिस्ट्री की साइट पे अपडेट हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, तो हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो इन सारी चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एक्ट बनेगा अपने आप में कंप्लीट। तो इसके साथ आपका पूरा आज का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो आज मैंने सब कुछ सिखा दिया, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, एक्ट सर्कुलर रूल्स और नोटिफिकेशन फर्क क्या होता है, और प्रैक्टिकली वो कहां से किस वेबसाइट से e-gazette.nis.in MCA की वेबसाइट से प्रैक्टिकली दिखा दी। आई होप आपको मजा आ गया होगा। तो अब मजा तो आई गया गाइस। तो अब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना। आपका लेक्चर आज पूरा खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन वाला डिटेल में फुल एनालिसिस के साथ प्रैक्टिकली लिंक करके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड साथ में जिन लोगों को हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस रेगुलर लेक्चर्स बाय करने हैं, तो आपके पास स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो डिटेल्स के लिए, प्राइसिंग, वैलिडिटी, व्यूज, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए हो। ठीक है जी, तो अब आपने प्रैक्टिकली मिली। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं था, तो आज एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आगे जाके प्रैक्टिकल कनेक्शन दिखाएंगे कि इंडस्ट्री में चीजें अप्लाई कैसे होती है, मिनिस्ट्रीज की साइट पर जाकर लिंक कर करके। चलो भाई, लव यू ऑल, टाटा।